चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैग्नेटिक नीडल इज कैप्ट इन अ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, एक नीडल है, अगर उसको किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसमें फोर्स, मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स लगेगा टेंजेंशियली इधर। ठीक है, ये हो गया फोर्स की डायरेक्शन। और तो इसमें नेट फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी, करेक्ट है, और नेट टॉर्क की वैल्यू भी जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी, फाइनाइट होगी, करेक्ट है। जबकि ध्यान रखना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब एक निडल या बार मैग्नेट रखा होता है तो उसमें फोर्स की वैल्यू सेम होती है, तो नेट फोर्स की वैल्यू उसमें जीरो होती है, लेकिन टॉर्क इसमें होता है तो नेट टॉर्क जीरो नहीं होता है, नेट टॉर्क लग रहा होता है। जबकि इसमें बोला है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें नेट फोर्स की वैल्यू भी जीरो नहीं हुई, यानी कुछ ना कुछ होगी और नेट टॉर्क भी लग रहा होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है? ए वाला, फोर्स एंड नेट टॉर्क दोनों लगेगा, यानी ये नेट टॉर्क, नेट ये फोर्स जो लिखा हुआ है ये नेट फोर्स है, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, टॉर्क मतलब नेट टॉर्क वो भी कुछ ना कुछ होगी। जबकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये नॉन यूनिफॉर्म है और यहां पर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें नेट फोर्स जीरो होगा लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा, जबकि इसमें ना नेट फोर्स जीरो होगा ना नेट टॉर्क जीरो होगा, यानी दोनों लगेगा, यहां नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।